दुबई के इंटरनेशनल आर्ट सेंटर जमीरा में 18 मार्च से 25 मार्च तक यानी 8 दिवसीय मेरियल नामी इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस एग्जीबिशन समारोह की ऑर्गेनाइजर मोना राठौड़ के अनुसार इस इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में इंडिया, दुबई, ओमान, नेपाल, मलेशिया और यूनाइटेड किंगडम के कुल 15 आर्टिस्टों ने भाग लिया है और उनकी कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इन सभी आर्टिस्टों की कलाकृतियों को दुबई के लोगों की ओर से बहुत प्रशंसा मिल रही है। इस इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में उन 15 आर्टिस्टों में से एक इंडिया से गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट डॉ रहमान पटेल की पेंटिंग्स की भी प्रदर्शनी की गई है। डॉ रहमान पटेल की बनाई गई एक पेंटिंग यूथ टुवर्ड्स एजुकेशन है, जो 21वीं सदी की वो युवा पीढ़ी जिनके दिमाग और जिनकी सोच को नफरत करने वालों ने बदल दी है, और इसमें ये मैसेज दिया गया है कि सच्चाई बयान करें और सच बोलें और जानकारी प्राप्त करने के लिए किताबें पढ़ें। इस पेंटिंग की खूब सराहना की जा रही है। डॉ रहमान पटेल इससे पहले साउथ कोरिया, जर्मनी, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के आर्ट एग्जीबिशंस में भाग ले चुके हैं और उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। डॉ रहमान पटेल की पेंटिंग्स की दुबई के इस इंटरनेशनल मेरियल आर्ट एग्जीबिशन में प्रदर्शनी पर उनके आर्टिस्ट मित्रगण मुस्तफा आदिल, मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल, सैयद मुस्तफा, शाहिद पाशा, हाजी मलंग, रेवन सिद्धप्पा होट्टी के अलावा दूसरों ने बधाई दी है। मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट।